हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। गर्मी में अगर कुछ ठंडा ठंडा हो जाए तो क्या बात है। आपने कुल्फी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं बनाऊंगी कुल्फा बिना दूध गर्म करे। ये बहुत ही झटपट आइसक्रीम है। अगर अभी तक आपने पैन टू प्लेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं झटपट कुल्फा। बाउल में हम 2 कप फ्रेश क्रीम, 1 टिन कंडेंस मिल्क, 12 कटे बादाम, 12 कटे पिस्ता, 2 ब्राउन ब्रेड, इसे हमने दूध में सोख करके रखा था, हमने पका हुआ दूध में सोख करके रखा था, इसे कांटे की सहायता से हम मसल लेंगे। और बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इससे थिकनेस आती है कुल्फा में। आप चाहो तो यहाँ पे बिना शक्कर के मावे का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हैंड ब्लेंडर की सहायता से अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे कुछ 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून दरदरा इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून गरम दूध में हमने 2 चुटकी केसर डाला है तो ये भी हम डाल देते हैं। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। हमने ब्रेड के सांचे में क्लिंग रैप डाला है ताकि आसानी से कुल्फा निकल सके। तो बैटर को हम ट्रांसफर कर लेंगे। और फिर से क्लिंग रैप टिन के ऊपर लगा देंगे। अब इस मोल्ड को हम डीप फ्रीजर में रख देंगे 3 घंटे के लिए। तो देखिए 3 घंटे हो चुके हैं और कुल्फा तैयार हो चुका है। इसे हम डीमोल्ड कर लेंगे। कुल्फा के हम मीडियम स्लाइसेस काट लेंगे। तो ठंडे ठंडे कुल्फा तैयार हो चुका है। इसे हम गार्निश कर लेते हैं कटे हुए पिस्ता के साथ। तो बिना दूध उबाले हमने कितनी आसानी से कुल्फा तैयार कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कुल्फा की रेसिपी पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।